हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थार आर्टिजनस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सहयोग हेतु सदा तत्पर रहूंगा। यादव थार के 777 अनुसूचित जाति की दस्तकार महिलाएं बनी कंपनी के मालिक बाड़मेर। थार आर्टिजनस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के तकनीकी सहयोग वित्तीय सहयोग हेतु प्रशासन हमेशा हर तरह की मदद के लिए तैयार रहेगा। उक्त बात नाबार्ड एवं श्योर के सहयोग से संचालित OFPO परियोजना के तहत गठित थार आर्टिजनस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की वार्षिक आम सभा में बॉर्डर की दस्तकार महिलाओं को संबोधित करते हुए बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने कही। यादव ने आर्थिक मार्केटिंग एवं दस्तकारों को विभागीय लाभ दिलवाने का आश्वासन देते हुए कहा कि दस्तकार महिलाएं अपने हुनर कला कौशल एवं तैयार उत्पाद से बड़े स्तर पर मार्केट से जुड़कर कंपनी को अन्य दस्तकार महिलाएं के स्वर्णगिंड विकास हेतु अग्रसर हो। यादव ने श्योर एवं आर्टिजनस प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की महिलाओं से रूबरू होते हुए उनके द्वारा तैयार उत्पाद की प्रदर्शनी अवलोकन करते हुए हस्तकला की मुक्त कंठ से प्रशंसा की एवं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कही हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्योर संस्था के अध्यक्ष ऋषभ दास जैन ने श्योर द्वारा पिछले 30 साल में किए जा रहे कार्यों, संस्थागत सोच के साथ थार आर्टिजनस कंपनी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए उपस्थित कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व अंशधारकों को मार्केटिंग एवं अन्य सहयोग देने हेतु भरोसा दिलाया। श्योर के संयुक्त सचिव लता कचवा ने स्वागत भाषण के साथ संस्था व कंपनी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संस्था के संस्थापक पद्मश्री मगराज जैन ने पिछले 30 साल पूर्व जो सपना सजोया गया था कि दस्तकार महिलाएं खुद अपने काम की मालिक बने, उन सपनों को आज साकार एवं फलीभूत हुआ है। इसके लिए उन्होंने नाबार्ड एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं अंशधारकों का भी धन्यवाद किया। खचवा ने कहा कि सबसे अधिक डिजाइन दस्तकार महिलाओं की स्वयं की थी, जिसे और बेहतर बनाने हेतु कौशल एवं डिजाइन कार्यशालाओं का समय समय पर आयोजन किया, जिसे कंपनी के माध्यम से भी और गति मिलेगी। खचवा ने कंपनी के आगामी एक वर्ष की कार्य योजना पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश प्रजापत जिला विकास प्रबंधक ने उपस्थित दस्तकार महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीमावर्ती एवं पिछड़ी दस्तकार महिलाओं को नाबार्ड द्वारा देश की यह पहली परियोजना सपना सजाया गया था, जिसे सीमावर्ती 777 महिलाएं मिलकर कार्य को साकार कर रही है, जो अपने आप में इस क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय कार्य है। डॉक्टर प्रजापत ने कंपनी को आगे भी विभाग की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। रीजनल मैनेजर राजस्थान मधुधरा ग्रामीण बैंक नरेंद्र खत्री ने बैंकिंग, बीमा, डिजिटल भुगतान, कंपनी अधिनियम, कानून आदि के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए दस्तकार महिलाओं को बैंकिंग योजनाओं को बिना बिचौलियों का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कंपनी के वित्तीय लेखे जोखे की जानकारी कंपनी के भव अरविंद शर्मा द्वारा की गई एवं सभी महिलाओं ने उसका अनुमोदन किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरीना सियोल, छगनी देवी मेघवाल, दूरपता कवर केलनोर, दरिया देवी घोड़ा का तला एवं शेयर होल्डर समझू देवी बूट राठौर दान एवं शेयर होल्डर समझू देवी बूट राठौर दान, सुशील देवी मते का तला, सोजी देवी नवा तला जेतमाल, हल्लू देवी बावड़ी कला ने कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर अपना अनुभव साझा किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने कंपनी की पोस्ट मशीन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सपुर्द की एवं कंपनी के डिजिटल कैटलॉग को विमोचन किया। जिला कलेक्टर ने कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं का प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में चौहटे तहसीलदार गणेशा राम, नरेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष, महेंद्र सिंह खच्चा व हनुमान राम चौधरी, विनय कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक KVK, कानाराम प्रजापत, अरविंद शर्मा, जयंत भोजिया डिजाइनर, मोहन लाल उस्मान, अहदी खान धीरज, स्नेहलता, बाबू सिंह, तगाराम, छगन लाल, विशाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 150 अंशधारक महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरीना सिंह ने उपस्थिति सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के अंत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरीना सिंह ने उपस्थित सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन हनुमान राम चौधरी ने किया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।